हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न फॉर नॉलेज। जैसे कि कल सभी ने एग्ज़ाम दिया 28 जैन 2018 को WBCS प्रीलिम्स का। एवरीवन इज़ एक्सपेक्टिंग द आंसर, बट बहुत सारे साइट में क्या है, आपको हाफ कोई कंप्लीट आंसर नहीं दे रहा, हाफ हाफ आंसर दे रहा है। तो ये कोई गलत भी है, कोई सही भी है। यहाँ पे मैक्सिमम मैंने ट्राई किया है सही बताने का विद प्रूफ, एंड ये ऑफिशियल तो नहीं है, बट मैंने ऑफिशियल्स मेंबर्स से सब गैदर किया ये आंसर्स। दैट्स वाई मैं ये जो आंसर शीट है ये आप लोग को प्रिफर करता हूँ। तो लेट गेट स्टार्टेड। करने पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एज ए न्यू यूट्यूबर मेरा आवाज़ अटकेगा क्योंकि मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, तो प्लीज़ उसके लिए मैं आपसे पहले ही सॉरी मांगता हूँ। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन थे, सब सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन थे, बट सब उल्टे फुलटे टाइप से दिए हुए थे। इस बार ऑल टाइम क्या होता है आपका, तो 25-25 क्वेश्चन ठीक तरीके से दिया रहता है, बट इस बार कभी हिस्ट्री घुसा दिया, कहीं जियोग्राफी घुसा दिया, कोई ठीक नहीं था। तो इंग्लिश के क्वेश्चन लेकिन 25 एकदम करेक्ट दिए हुए थे। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड, अंडरलाइन हिज ह्यूमिलेशन ही अटेंडेड द फंक्शन। इसका ऑप्शंस चार थे, इसका आंसर होगा नॉट विथ स्टैंडिंग। देन सेकेंड क्वेश्चन, कॉल अप का मीन्स क्या होता है, रिकलेक्ट। बहुत सारे जगह में इन्वाइट भी बोला हुआ है, बट इन्वाइट भी हो सकता है, बट रिकलेक्ट ज़्यादा करेक्ट होगा। देन यूज ए सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस, इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट अंडरलाइन रेन टू नाइट, इट का इसका आंसर विल होगा। देन फोर्थ का आंसर, शी हैड बेटर अंडरलाइन द रूम एंटर्ड। फिफ्थ, द गर्ल अंडरलाइन हर मदर टेक्स आफ्टर। देन शी लाइक्ड द लैटर प्लेन बेटर, ए मल्टी कलर्ड बो वाज सीन इन द स्काई। एट्थ क्वेश्चन, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये idiom phrases है, इसका आंसर होता है सडन डिजास्टर। नाइन्थ क्वेश्चन, क्लासिकल का मीनिंग्स क्या है, ऑफ द फर्स्ट और हाइस्ट क्वालिटी। टेंथ, एक्साइटेड अबाउट डिनर, जॉन रन द होल वे होम। इलेवेंथ, द टीचर विल टेक अप अ न्यू चैप्टर टुमारो। ट्वेल्थ, ओनली ओकेजनली इज देयर अ रंबल इन द स्काई। थर्टींथ, मैरीज पेशेंस एंड सेरेनिटी, यहाँ पे एंटोनिम जी पूछा गया है सेरेनिटी का, इसका एजिटेशन होगा। मार्बल किससे रिलेटेड है, स्कल्पचर से, मूर्ति बनाते हैं उसे स्कल्पचर बोलते हैं पत्थर के। देन फिफ्टींथ, ही हैज़ ए प्रिफरेंस फॉर टी ओवर कॉफ़ी, यहाँ पे 2 टी ओवर कॉफ़ी भी करेक्ट हो सकता है, बट 40 ज़्यादा कन्फर्म्ड है। इंसर्ट द प्रॉपर प्रिपोजिशन, ठीक है, इट इज़ 9 o'clock बाय माई वॉच। रिग्रेट कौन सा इंटरजेक्शन है, ये एलास के साथ बोल सकते हैं। देन टू एयर इज ह्यूमन, मतलब बंगाली में क्या है, मानुष मात्र ही भूल होए। वन हु कंसिडर्स द हैप्पीनेस एंड वेल बींग ऑफ अदर्स, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, ये ऑल्टरेस्ट होगा इसका आंसर। देन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड है, आई। सी वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। देन ऑर्निथोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड है, बर्ड्स। देन इंडिफैटिगेबल पर्सन रिमेन्स अनटायर्ड। idioms and phrases next, 24 question, he stood in hot water, इसका मतलब है in trouble of disgrace। 25th and last question of English, absence choice का मतलब क्या होता है, a state of dilemma भी ठीक है, but taking what is available or nothing at all, ये ज़्यादा correct होगा। next हमारे current affairs sections में आते हैं। 26th number, 2017 फीफा कॉन्फेडरेशन कप कौन जीता, जर्मनी जीता, चिली को हराया था 0-1 से। देन
विच राजपूत रूलर वॉज नॉट ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर? ये जसवंत सिंह अकबर का कंटेम्प्रेरी नहीं था. देन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ऑफ इन दैट चेंज ऑफ द कोर्स ऑफ द कोसी रिवर रिजल्टेड इन गंगा रिवर फ्लोइंग मेनली थ्रू द पद्मा इन बांग्लादेश. And 29th, who described the Quiet India movement as far the most serious rebellion since 1857? Iska answer bhi hai, Viceroy Lord Linlithgow. 30 question, Subhash Chandra Bose ne kaun sa party found kiya tha? Forward Bloc kiya tha, 1939 mein. Then apka 31st, which one of the following country has created its first military cyber division seeking to expand the hacking attacks on foreign states including Islamic states? Iska answer Australia hai. Who assumed the title Hindua Dharma Rakshaka, Dharma Dharak, the protector of the Hindu faith? Ye Shivaji ko bolte hain, ise Chhatrapati Shivaji bhi bolte hain. And significance of Lahore रिजोल्यूशन 1940 ऑफ मुस्लिम लीग वॉज, यहाँ पे पाकिस्तान रिजोल्यूशन लिया गया था, पाकिस्तान रिजोल्यूशन वॉज टेकन. मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट इज बाई मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट भागीरथी रिवर ने एकदम हाफ काटा हुआ है. देन हु चेयर्ड द सेकेंड इंडिया अफगानिस्तान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल? ये सुष्मिता स्वराज एंड शहाबुद्दीन रब्बाई, ये दोनों ही आंसर होगा. तो इसका आंसर है बोथ ऑफ द अबव. हाँ, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा. इसका आंसर प्रोसेस है. अगर ये आपको सॉल्व चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग एंड मैथ्स के क्वेश्चन एकदम कम्प्लीटली सॉल्व करके दे दूंगा. नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है. सब देखिए, सबके चार साइड्स हैं बट सर्कल इज ओनली ए सर्कल. तो अरेंजमेंट का टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर चिराग एंड एला होगा. नेक्स्ट, हाँ, एडुकेशन, ये एडुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में था, फिर 42 या कौन से अमेंडमेंट में ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ चुका है. तो इसका आंसर कॉन्करेंट लिस्ट होगा. व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन फीफा रैंकिंग? अभी तो फिलहाल 105 रैंकिंग है, बट WCS तो पता ही है, एकदम ओल्ड चलता है, तो 100 रैंक में है अभी. इसका आंसर 100 होगा, 100. देन हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द फ्रेंच? हाँ, ये डिस्प्यूटेड टाइप क्वेश्चन था. इसका आंसर टीपू सुल्तान एंड हैदर अली दोनों ही है, करेक्ट है. तो WCS अब कौन सा ले रहा है ये आप पे डिपेंड, WCS पे डिपेंड कर रहा है. बट इसका ज़्यादातर आंसर आप टीपू सुल्तान को ही बोल सकते हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान ने ही फ्रेंच से हेल्प लिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने को. देन नेक्स्ट, the largest arsenic decontaminated purification plant in West Bengal is located at, सबसे ज़्यादा arsenic तो हमारे इस साइड में ही है, मुर्शिदाबाद नदिया देन भागीरथी के लेफ्ट साइड में ही है. तो ये आपका फर्क का है आंसर. मुस्लिम लीग हैड एक्सेप्टेड माउंटबेटन प्लान, क्यों एक्सेप्ट किया था? क्योंकि इट हैड द प्रोविजन फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. देन मंगोल सेट किसने लॉन्च किया? मंगोल सेट से समझ में आ रहा है, मंगोलिया होगा आंसर इसका, एंड मंगोलिया ही करेक्ट है. सिक्किम कब फुल फ्लैग स्टेट बना? 1975 में. खालसा किसने स्टार्ट किया था? गुरु गोविंद सिंह ने, लास्ट गुरु. देन चैंपियन ऑफ ऑनर्स दिसंबर 12, 2017 को अवार्ड ये दिया गया. ये किसको दिया गया? हैरी पॉटर की जो राइटर है जेके रोलिंग, उनको दिया गया. फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? ये ऑप्शन ए, रिवेन्यू रिसीप्ट्स प्लस कैपिटल रिसीप्ट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर. देन 49 क्वेश्चन, कोलकाता मुंबई नेशनल हाईवे वाया आगरा इज नोन एज NH3, नेशनल हाईवे 3. देन आपका द थर्ड इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस Distinguished Indologist Award of the Year 2017 was awarded to Japanese Professor Hiroshi Maruwa को दिया गया था. Then, an average air contains 1% of water vapor. बहुत सारी जगह में
ऑफ ढेका, ढाका, ये ढेका है, यही ढाका है। तो इसका आंसर है पुलिन बिहारी दास, यहाँ पे पुलिन दास दिया हुआ है तो पुलिन दास ही आंसर होगा। देन नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर टू फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्स अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड इन वैक्यूम, 54th क्वेश्चन। 55th क्वेश्चन, हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियंस इन ग्लासगो, ये नोजोमी ओकुहारा ने जीता। देन 56th, हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज, ये ज्योतिबा फुले ने फाइंड किया, फाउंडर था इसके। एपिको मूवमेंट एसोसिएटेड विद द नेचुरल कंजर्वेशन वॉज लेड बाय पांडू राव हेगड़े ऑफ सिरसी। द स्पीड ऑफ साउंड इज फाउंड फास्टर इन सॉलिड्स, में सबसे ज्यादा साउंड का स्पीड फास्ट होता है। विच सिटी वॉज सेट टू होस्ट एन इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल फ्रॉम अक्टूबर 26, 2017। ए कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, लाला लाजपत राय, एंड फाउंडर एन एम जोशी थे फाउंडर। देन आपके चमनलाल इसके सेक्रेटरी थे, एंड चार फाउंडर थे बट मेनली एन एम जोशी को फाउंडर पकड़ा था मान सकते हैं आप। देन लीडर ऑफ लखनऊ ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज, ये बेगम हजरत महल थी। लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज 120 डेज। द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम 2017 विटनेस द रिलीज ऑफ विच डॉक्यूमेंट, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्रोग्राम ये, एंड सिक्योर हिमालयस, दोनों ही होगा आंसर। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। विद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एडवोकेटेड रैपिड रेलवे कंस्ट्रक्शन इन इंडिया, ये लॉर्ड डलहौसी है। आई डू व्हाट आई डू, ये किसने लिखा था, हमारे फॉर्मर गवर्नर रघुराम जी राजन। इफ वी एड सॉल्ट टू प्योर वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग किसने फाउंड किया था, राजबिहारी बोस। हु फर्स्ट कम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पस, सबसे पहले पुर्तगीज आए थे। इसका ट्रिक आप जान लीजिए, पी डी ई डी एफ है इसका आंसर। पी फॉर पुर्तगाल, डी फॉर डच, ई फॉर इंग्लिश, पी डी ई फॉर इंग्लिश, डी फॉर दानिश, एंड एफ फॉर फ्रेंच। फ्रेंच सबसे लास्ट में आए थे। विच बैंक मेड इनॉगरल इवेंट ऑफ फर्स्ट डिजिटल ब्रांच नेम्ड कैंडी इन बेंगलोर रिसेंटली। कैंडी आपका कैनरा बैंक का, कैनरा बैंक से रिलेटेड है। मसल फटिग इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड, ठीक है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5th of December बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ये वर्ल्ड सोयल डे होता है। एंड न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसने लिखा था, ये अरविंद घोष ने लिखा था। प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज जे बी कृपलानी। शॉर्ट साइटेडनेस कुड बी करेक्टेड बाई कॉन्केव लेंस, ये नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, ये माओपिया जिसको बोलते हैं, यही है आपका कॉन्केव लेंस आंसर। वट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर 16th ग्लोबल रिटेल इंडेक्स पब्लिश्ड इन 2017, ये फर्स्ट है इंडिया, पहले चाइना था, चाइना को क्रॉस करके अभी इंडिया फर्स्ट आ गया है। हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बॉक्सर, ये मीर कासिम है। हेक्टर मुनरो के खिलाफ हमारे तीन इंडिया के, इंडिया से तीन राजा लड़ाई किए थे हेक्टर मुनरो के खिलाफ, बट हेक्टर मुनरो जीत गया था अकेला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर इजी था बहुत, नीस एंड अंकल। सॉल्व मैंने बोला, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें रीजनिंग एंड मैथ्स एकदम कम्प्लीटली सॉल्व होगा। रीजनिंग बहुत इजी आया था बट मैथ्स थोड़े से ट्रिकी थे अकॉर्डिंग टू WCS। एंड जो विच कंट्री सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट गे मैरिज ऑन October 1, 2017, जर्मनी इज द आंसर। हाँ, RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू प्राइमरी कलर से, ये सब अगर एक साथ मिलाया गया तो कौन से कलर बनता है, वाइट कलर बनता है। द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस एट इट्स कराची सेशन 1931 में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर
1949. नेक्स्ट अगेन रीजनिंग क्वेश्चन, इसका आंसर डी है. इंटरनेशनल डे ऑफ पीस वॉज ऑब्जर्व ऑन विच थीम इन 2017. इसका थीम था टुगेदर फॉर पीस रिस्पेक्ट सेफ्टी एंड डिग्निटी फॉर ऑल. द नंबर ऑफ मिल्क टीथ इन मैन इज 20. इसका आंसर 20 है. जो बेबी टीथ या प्राइमरी टीथ हम इंग्लिश में बोलते हैं वही है आपका ये मिल्क टीथ. दुधेद दात जर्मन है. हु वॉज द एडिटर ऑफ द हिंदू पेट्रोएट? हरिश्चंद्र मुखर्जी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का उपाधि आपका इसमें नहीं दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है. देन ये आपका अगेन मैथ्स का क्वेश्चन, इसका आंसर 74 जो लास्ट ऑप्शन है था डी, 74 इज द आंसर. 36 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 74. हु डिनाउंस द कांग्रेस एज माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी? ये लॉर्ड डफरिन ने बोला था. ये इसका मैंने डायग्राम आपको अपलोड नहीं कर पाया, डायग्राम बना नहीं पाया, बट फिर भी आप वो जो सर्कल एक था जिस एक क्वाड्रेंट आपका शेडेड पोर्शन था उसका आंसर 4 प्लस पाई बाई 4 पाई होगा इसका आंसर. देन एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी इनॉग्रेटेड द 77th सेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस. करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, कहाँ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस कहाँ हुआ? केरला में. छोटा नागपुर प्लेटू इज प्राइमरी कंपोज ऑफ आर्कियन रॉक्स ऑफ ग्रेनाइट एंड जेनेसिस. देन आपका विलेज 92 क्वेश्चन, विलेज पंचायत आपका आर्टिकल 40 से रिलेटेड है. पॉइंट आउट द लेटर विच रिप्रेजेंट्स इंडियन एंड हिस्टोरियंस बट नॉट पॉलिटियन. ये आपका अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन है, डायग्राम सॉरी नहीं बना पाया. इसका आंसर स्मॉल लेटर में जो बी था ऊपर साइड में जो बी था वो वाला है आंसर. ऑप्शन ए है बट आंसर इज बी. अबाउट अमाउंट ऑफ ओ टू नॉर्मली कैरिड बाय 100 ml ऑफ प्योर ह्यूमन ब्लड इज 220 ml. ये इजी था. व्हाट इज द टाइटल ऑफ द स्पेशल कवर फॉर द पोस्टल डिपार्टमेंट फीचरिंग दीपा कर्मकार, साक्षी मल्लिक एंड पीवी सिंधु? ये इसका आंसर है गोल्डन गर्ल्स ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ द नेशन. देन बनगांव एंड कोलकाता इज कनेक्टेड बाय NH-35. हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल प्लानिंग कमिटी सेटअप बाय द कांग्रेस? जवाहरलाल नेहरू इज द आंसर. सुभाष चंद्र बोस थे बट जवाहरलाल नेहरू को आंसर यहाँ पे दिया गया है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन में नहीं था. देन ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन स्वीडन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज द मेन रिस्पेक्टेड ऑर्गन ऑफ वेल? ये लंग्स है इसका आंसर. हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे इन इज लोकेटेड एट कोलकाता. ये अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका आंसर हैरी है. मैथ्स का क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन बी. आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.002 इज लेस देन 2.02 इज लेस देन 2.2 इज लेस देन 2.222. क्वेश्चन नंबर 103. द फिनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद 1 चेयरपर्सन एंड 4 नंबर अदर मेंबर्स. यानी कि टोटल 5 होते हैं, 1 चेयरपर्सन होता है, 4 अदर मेंबर्स होते हैं. इफ परसेंटेज इंक्रीज इन रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 300, आई इसका आंसर आपका 15,000 होगा. 1500% होगा. ये मैथ्स का क्वेश्चन है. हु वॉज द राइटर ऑफ बुद्ध चरित्र? ये अश्वा घोष. चिल्का लेक इज ए सॉल्ट वाटर लेक. देन सोशल रिफॉर्मर वॉज पॉपुलरली कॉल्ड एज पेरियार. ये ई वी रामास्वामी नायकर इसका आंसर है. इंडिगो विच बुक डिपिक्ट्स द प्लिंथ ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स? नील दर्पण इज द आंसर. ए कॉम्बिनेशन ऑफ 16 ब्लॉक इज कॉल्ड मेमोरी ब्लॉक. द हाइस्ट प्रोडक्शन एंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मैगनीज ओर लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा. विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पा साइट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात? बनावली,
नॉट लोकेटेड इन गुजरात बोला गया है यहाँ पे, इसका आंसर बनावली है क्योंकि ये तीनों साइट गुजरात में है। विच हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, संजय कोठारी एंड स्टोन टाइड टू ए, हाँ ये फिजिक्स का क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंसली इज द आंसर, करेक्ट आंसर। हु प्रोपोगेटेड हिंद हिंदी हिंदू, इसका आंसर मदन मोहन मालवीय है। अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन, डिवाइस बी ए आर ई एक्स है, इसका आंसर रिजा रिबाज है, आर ई बी ए जेड। देन विच किंगडम कवर्ड द मॉडर्न पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, मगध, द हाइस्ट पीक ऑफ इंडिया के टू इज ऑल्सो नोन एज, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, काराकोरम कोई बोल रहा है एंड गॉडविन एंस्टीन कोई बोल रहा है यहाँ, बट यहाँ पे पीक का बात बोला गया है, पीक इज आपका गॉडविन एंस्टीन बट रेंज इज काराकोरम, तो कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे आप गॉडविन एंस्टीन अगर मारेंगे तो ज़्यादा करेक्ट रहेगा। इंडिया इम्पोर्ट्स मैक्सिमम गोल्ड फ्रॉम विच कंट्री, स्विट्जरलैंड से सबसे ज़्यादा गोल्ड इम्पोर्ट करता है। ए बॉडी इज फ्लोटिंग इन ए लिक्विड पार्टली इमर्ज्ड, द बॉडी एंड द लिक्विड आर टेकन टू मून, द बॉडी फ्लोट्स विद लेसर पार्ट इमर्ज्ड, इसका आंसर है। हु वॉज द फर्स्ट लीडर अरेस्टेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मोतीलाल नेहरू। कॉइन अगर मीन से रिलेटेड है तो ब्रिक्स किल्न से रिलेटेड है, भाटा। इन वेस्ट बंगाल रेल वैगन्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट चित्तरंजन हिंद मोटर एंड दुर्गापुर। यूएसबी इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, इज सेकेंडरी इज द आंसर। टेंथ इंडियन जॉर्डन मोरक्को ट्रेड एंड इकोनॉमिक जॉइंट कमिटी कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड एट न्यू दिल्ली। हु कम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थिनिस, इसने इंडिका लिखा था। देन ए क्लॉक स्ट्राइक्स वंस वन एट वन ओ क्लॉक, ट्वाइस एट टू ओ क्लॉक एंड सो ऑन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका आंसर सिंपल था 312। विच इज नॉट ए सोशल नेटवर्किंग साइट, ये विंक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, ये विंक को बाय हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स द फिगर, जो फिगर है उसका आंसर क्या है, सो 16 इज द आंसर, क्योंकि 5 हॉरिजॉन्टली था 5 वर्टिकली था, 5 5 10 एंड आपका एक बॉक्स बनाया हुआ था अंदर 4, तो 14 एंड दो डायगोनली बड़े बड़े लाइन खींचे हुए थे वो है 15 एंड 16। देन द एक्टिव डेल्टा ऑफ द गंगा इन इंडिया लाइज हेयर, हाँ सिर्फ इंडिया में पूछा गया है, वो पूरा अगर टोटल पूछते तो सुंदरबन आंसर होता क्योंकि नाम ही उसका सुंदरबन डेल्टा है, बट इसका इंडिया में अगर पूछा गया है तो इसका आंसर नॉर्थ 24 परगना एंड साउथ 24 परगना इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज लैंग्वेज इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन, इसका आंसर जावा। वेयर डिड गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन, सारनाथ। इन इंडिया इकोनॉमिस्ट हैज वन बालजान प्राइज फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इंडिया एग्रीकल्चर, ये बीना अग्रवाल इज द करेक्ट आंसर। द डोगराज इनहेबिटेड मेनली फ्रॉम साउथर्न पिंजल रीजन टू द पंजाब प्लेन्स। तिलक फॉर्म्ड हिज होम रूल लीग इन 1916 एट बेलगांव, ये अप्रैल में किया था एंड एनिवेशन ने सेप्टेम्बर में किया था, एनिवेशन ने अधियार में किया था आई थिंक, जो भी है। Errors in computer program is called bug. Greeks ने सेंड्रोकोटस किसे बोला है, चंद्रगुप्त मौर्य को, एंड ये अगेन सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज में यहाँ पे देखिए 3 6 देन आपका 3 3 का डिफरेंस आ रहा है एक एक ऑल्टरनेट में, 3 के बाद 8 छोड़ दीजिए 6 में 3 का डिफरेंस, 3 6 के बाद 14 छोड़ दीजिए 3 का डिफरेंस पकड़िए मतलब ऐड कीजिए 9, वैसे यहाँ पे 8 के बाद 14 देखिए यहाँ पे आपका 16 6 का डिफरेंस आ रहा है, 6 ऐड कीजिए 8 प्लस 6 14 14 प्लस 6 20 ऐसे, वो अल्टरनेट अगर देखिए आप 3 और 6 का वो आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल कंसिडरिंग GNP, ये नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, GDP में फॉरेन सब पकड़ते हैं बट GNP में फॉरेन नहीं पकड़ते। इन इंडिया द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, ये NCR, NCR का फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन, ये दिल्ली है आपका। देन ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज बाय ऑक्सीडेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट
mooted the idea of constitutional assembly by framing a constitution for India. A Swaraj Party and Congress Party in 1936, दोनों ही करेक्ट है, बट स्वराज पार्टी कांग्रेस पार्टी 1936 से पहले आया था, तो स्वराज पार्टी आपका करेक्ट आंसर होगा. द माउंटेन रेंज बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इज लोसाई. देन अगेन ये मैथ्स का क्वेश्चन, इसका आंसर करेक्ट है 30 ईयर्स है. देन आपका किताब है अलबेरोनी. देन नेक्स्ट, केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज डायल्यूट एसिटिक एसिड. नीति आयोग इज सेटअप बाय ए रेजोल्यूशन बाय यूनियन कैबिनेट. सेवन कमीशन ऑफ 1927 वॉज बॉयकॉटेड बिकॉज देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन. रोहिलखंड रीजन लाइज इन नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश. डेफिशियंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन रिकेट. विच गुप्ता रूलर रिपल्स्ड हूना इन्वेजन. स्कंद गुप्ता. देन अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन 151, ऑप्शन ई होगा इसका. ऑप्शन बी इज द आंसर, बट करेक्ट आंसर इज ई. अभिनव भारत ए सोशल सोसाइटी ऑफ रिजोल्यूशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय वी डी सावरकर. द टर्म पी वी सी का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड. ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर फ्राइडे होगा क्योंकि 2000 इज ए लीप ईयर, तो यहाँ पे आपका एक डे एक्स्ट्रा होगा. देन नेक्स्ट, द हाइस्ट पीक इन अंडमान आइलैंड इज हेडल पीक. तो बृहद स्मिता ये किसने लिखा, वाराह मीरा ने लिखा था. देन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग जिप्सम. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द फोर्सिंग ए पर्सन टू अंडरगोइंग पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग एंड नार्को एनालिसिस एज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 प्राइवेसी एंड आर्टिकल 23. बट हु वॉज द लीडर ऑफ गदर पार्टी. लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को में जो हुआ था 1913 में. इन इंडिया कास्ट लैंड फॉर्म आर फॉर्म्ड इन जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, हिल ऑफ बक्सर एंड जयंती. विच कंट्री हैज अनाउंस दैट इट हैज कैरिड आउट इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट. नॉर्थ कोरिया. विच हिस्टोरियन इज फेमस फॉर इट्स रिसर्च इन एंशियंट इंडिया हिस्ट्री. रामशरण सारम शर्मा. लेट हो गया. विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट टू द पंचायत. ये 73rd अमेंडमेंट. द नोबल लिटरेट, हाँ पीस प्राइज और नहीं, द नोबल लिटरेट वॉज मेड द सेंट ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च इन सेप्टेम्बर 116. मदर टेरेसा इज द आंसर. इम्पोर्टेंस ऑफ द डॉल्फिन्स नोज एट विशाखापट्टनम इज एज नेचुरल प्रोटेक्शन फॉर हार्बर एंड डेवलपमेंट ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री. हु अज्यूम द टाइटल गंगीकोंडा चोला. राजेंद्र वन. देन अगेन रीजनिंग क्वेश्चन, इसका आंसर नॉर्थ होगा. नॉर्थ ठीक है. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन राइटिंग ऑफ ऑन इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड इंडेंटिफाई. ये अमर्त्य सेन इज द आंसर. फिनेंशियल इंक्लूजन का एज पर आरबीआई मीन्स ऑल ऑफ द अबव. देन एक्टिव वोल्केनो हमारा ओनली बैरन लैंड बट नारकोंडम जो था वो एक्टिव नहीं है. बैरन आइलैंड इज द एक्टिव वोल्केनो. हु फाउंडेड कृषक प्रजा पार्टी. फजलुल हक. देन पीस के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला, काजो इशिगुरा. द हु ब्रोकन द पावंगानी. ये गियासुद्दीन बलवान. इल्तुतमिस ने बनाया था एंड गियासुद्दीन बलवान ने इसको तोड़ दिया था. देन हु गिव द स्लोगन बैक टू वेदास. स्वामी दयानंद सरस्वती.
ये पाइप मैथ्स का क्वेश्चन है, ये 8 मिनट इज द आंसर. देन द सेकेंड मीटिंग ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग एम्फेसाइज्ड ऑन बोथ ए एंड बी होगा इसका आंसर. हु इंट्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, अलाउद्दीन खिलजी. देन चिल्ड्रंस राइट वीक फ्रॉम 16 नवंबर 20 नवंबर 2017, इसका थीम था हौसला 2017. टेकन प्लेस थ्रू डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्जीक्यूशन ऑफ IADA एंड IAAP. हु रोट द बुक गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले. इट्स क्विंट, अगर आई से रिलेटेड है तो स्क्वीज आपका हैंड से रिलेटेड है जो. एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड डिफेंस एक्सपेंडिचर. रिसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2015, ये ऑप्शन गलत था, इसका आंसर शशि कपूर होगा, बट यहाँ पर शशि कपूर है नहीं तो आपका मनोज कुमार इज करेक्ट आंसर. द इम्पोर्टेंस ऑफ रिंग रोड इन न्यू दिल्ली, इसका दोनों ही आंसर करेक्ट है, ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर. हु अमंग द फॉलोइंग हिंदूज फर्स्ट ज्वाइंड द दीन ए इलाही, ये बीरबल, राजा बीरबल ने सबसे पहले ज्वाइन किया था. और इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, बद्रुद्दीन तैयब जी. देन विच स्टेट हैज़ बैक द टॉप स्पॉट एट द कंट्रीज मोस्ट पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन अमंग फॉरेन एंड डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 2017, तमिलनाडु. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, पी इज ग्रेटर देन क्यू, बट इसका आंसर 13:16 को ही बोल रहा है, 16:13 को ही बोल रहा है, ये आंसर मेरे को गलत लगा तो मैं इसका आंसर सॉरी नहीं दे रहा. 13:16 अप टू अभी सही पकड़ लीजिए. एट प्रेजेंट द JNNURM प्रोजेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका आंसर इज फंड्स डेवलपमेंट इन सिटीज फॉर ट्रांसपोर्ट ओनली. सती प्रथा मुगल्स में किसने बैन किया था, औरंगजेब ने. देन सिंगापुर की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, हलीमा याकूब. ए डिसऑनेस्ट डीलर डिफ्रॉड्स हिज सेलर, इसका परसेंट, इसका आंसर 50%. ब्रेकडाउन प्लान ये किसने दिया था, लॉर्ड वेवल ने. देन ड्राई पोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज लोकेटेड एट कोलकाता, नेम द कंट्री विच हैज इंट्रोड्यूस्ड ए लेजिस्लेशन रिक्वायरिंग पीपल टू स्टिक टू ट्रेडिशनल नेशनल क्लोथ्स एंड कल्चर, ये ताजिकिस्तान. हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार, इल्तुतमिश. स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, खत्म किया इल्तुतमिश ने. नेक्स्ट मैथ का रेशियो का क्वेश्चन है, ये 5:9 इज द आंसर. देन ये मैथ रीजनिंग का क्लॉक्स का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट है 7:35, 7:35. लास्ट क्वेश्चन ऑफ WCS, विच स्टेट गवर्नमेंट गेव क्लियरेंस टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन द स्कूल एजुकेशन पेविंग द वे फॉर प्राइवेट ओनर्स टू टेक ओवर द गवर्नमेंट स्कूल, ये राजस्थान इज द आंसर. जिसका ठीक है आज के सेशन के लिए इतना ही, बट जिसका भी एग्ज़ाम अच्छा गया है, जो 100+ स्कोर इजिली कर सकते हैं सोच रहे हैं, तो प्लीज़ स्टार्ट योर लर्निंग फॉर मेन्स, क्योंकि एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू WCS लेवल प्रीवियस ईयर तो एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ था. कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा आपका, बहुत लोग बोल रहे हैं 100+ जाएगा, नहीं, 100+ इज नॉट पॉसिबल एट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. आपका ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ मान लीजिए 105 फॉर जनरल एंड 85 फॉर मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूँ ये कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है. तो 105 इज जनरल एंड 85 फॉर OBC एंड SC ST का तो 70-60 में रहेगा. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, थैंक यू, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आए. एंड सॉरी मैं बहुत सारी जगह में अटका हूँ उसके लिए. थैंक्स.